उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक बार फिर से आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कल से ही उधमपुर के अगर बसंतगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर हमारे सुरक्षा बलों को 3 से 4 आतंकी जो है छिपे होने की संभावना जो है वो मिली थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं लगभग कल 4, 4:30 के करीब जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों की शुरू हुई थी और इसमें हमारे भारतीय सेना के जवान उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एक संयुक्त जो है ऑपरेशन जो है वो चला रही है। और लगातार पिछले 3-4 महीने से उधमपुर इलाके की अगर बात करें तो यहां पर उधमपुर इलाके में कई सारे संदिग्ध देखे जाने की जो है वो संभावना जताई जा रही थी। स्थानीय लोगों द्वारा कई सारे संदिग्ध जो है वो देखे जा रहे थे और उसी बीच पुलिस लगातार पिछले 2 महीने से जो है इस पर नजर बनाए रखे थे। और कल लगभग शाम को 4 बजे के करीब जो है आतंकियों के साथ जो है पहली मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई और 2 घंटे लगभग जो है बीच बीच में रुक रुक कर जो है आतंकियों के साथ संपर्क जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों को लगा कि कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 आतंकियों की समूह जो है एक टीम जो है उसकी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना ये संयुक्त मिलकर जो है ये ऑपरेशन जो है इस समय चला रही है। और आज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जो है बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों को जो है वो घेर लिया है। एक अच्छी खबर है जो लगातार पिछले कई देर से जो आतंकी जो है वो भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें जो है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा जो है वो घेर लिया गया है। और बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है कल मंगलवार शाम 4 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई थी। दोनों ओर से 2 घंटे तक गोलीबारी हुई। मौसम खराब होने और धुंध के बीच सुरक्षा बलों ने देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया, जाने की जब उन्हें संभावना हुई कि यहां आतंकी हैं तो एक सुरक्षा बलों ने हमारों ने जो है एक तलाशी अभियान चलाया और सेना ने जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी जो है वो बढ़ा दी। और अभी किसी भी आतंकी के मारे जाने की सूचना फिलहाल नहीं है, यानी कि किसी भी आतंकी के मारे जाने की सूचना नहीं है। पर उधमपुर रियासी रेंज के DIG रईस मोहम्मद भट्ट का कहना है पिछले 3-4 दिनों में हम यहां की गतिविधियों पर नजर रखे थे और कल हमें आंदोलन के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली और इसके बाद हमने इलाके की घेराबंदी कर ली। कल सुबह हमने ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 4, 4:30 बजे के करीब आतंकियों से जो है वो संपर्क स्थगित हुआ। माफ कीजिएगा, कल सुबह जो है 4:30 के करीब ये संपर्क होना शुरू हुआ था और 2 घंटे में 2 बार संपर्क स्थापित किया गया। अब भी हमारी जानकारी के अनुसार 3-4 आतंकियों का एक समूह हमारे घेरे में फंसा हुआ है, यानी कि 3 से 4 आतंकी जो है इस समय उधमपुर के बसंतगढ़ एरिया में जहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा हुआ है। एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि आतंकियों ने जो आतंकी हैं 3 से 4 आतंकी उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो है वो फिलहाल चल रहा है और हमें उम्मीद है इस टीम को जो है जो आतंकी है उन्हें जल्द से जल्द जो है हमारे सुरक्षा बल जो है वो मौत के घाट उतारेंगे। एक बड़ी खबर, कहीं ना कहीं आतंकी जो है हमारे सुरक्षा बलों के घेरे में इस समय उधमपुर बसंतगढ़ इलाके में जो है इस समय घेर लिए गए हैं। इस समय की ताजा जानकारी आप लोग इस खबर को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में जो है आतंकी इस समय हमारे सुरक्षा हमारे जो कर्मी हैं उनके घेरे में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये भी बताया जा रहा है कि इनको जरूर कहीं कोई ना कोई जो है इन्हें मदद जरूर कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई इनका ओवरग्रोन वर्कर का काम जरूर कर रहा है। बीते दिनों भी 3 महीने से आतंकियों का बसंतगढ़ के ऊपरी जंगलों में पहाड़ों पर नजर आना जारी है और लोग संदिग्ध देखे जाने की लगातार सूचना जो है वो दे रहे थे। इतने समय तक बिना गाइड वो मददगारों के बिना छिपना संभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इनके बिना जो है छिपना पिछले 3-4 महीने से संभव नहीं है। सूत्रों की माने तो इन आतंकियों को किसी स्थानीय जहां शरण मिल रही है। मौजूदा समय के जो विशेष रूप से विशेष समूह के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं शरण मिल रही है। ये लोग उन लोगों को, उन पहाड़ों में रहने वाले उन गरीब लोगों को धमकाकर आतंकी उनसे खाने का इंतजाम करते हैं और उनकी शरण लेते हैं। सुरक्षा बलों को अप्रैल से इस क्षेत्र में आतंकियों की गतिविधियों के बारे में सूचना थी। हमारी
जो सुरक्षाकर्मी है उन्हें लगभग पिछले 2-3 महीने से ही यहां पर आतंकियों के छुपे होने की जो है वो संभावना थी। और आज मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और हमारे सुरक्षाकर्मियों ने इन आतंकियों को जो है वो घेर लिया है। और एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कल से, यानी कि कल मंगलवार से ही लगातार जो है, मैं आपको बता दूं कि उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में जो है तलाशी अभियान इन आतंकियों का चलाया जा रहा था। और कई ये भी बताया जा रहा है कि बिना किसी मददगार के ये लोग जो हैं इतने लंबे समय से शरण नहीं ले सकते। आप लोग इस खबर को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और बड़ी खबर ये है कि आतंकियों का एक समूह, आतंकियों की एक टीम जो लगभग बताई जा रही है 3 से 4 आतंकी होने की संभावना, उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जेके सनराइज के माध्यम से बता रहा हूं। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से खबर जो आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है उन्हें फिलहाल हमारे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। और कल सुबह 4:30 बजे से ही जिस तरह से 2 घंटे लगातार वहां पर बारिश और धुंध के बीच जो है, मैं आपको बता दूं इस समय जम्मू के अधिकांश एरिया में जो है मौसम खराब है, और हमारे सुरक्षा बलों को जरूर मौसम की चुनौती जरूर मिलती है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं इसी बीच आतंकियों को जो है वो घेर लिया है। कल से ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और अब जो है आतंकी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में है, पर फिलहाल किसी भी आतंकी के मारे जाने की सूचना जो है अभी तक नहीं मिली है। और इससे एक दिन पहले, यानी कि सोमवार को भी अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान भी हुई थी। और यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से ये इस क्षेत्र में जो है आतंकी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी मदद जो है वो जरूर मिल रही है। आप लोग इस खबर को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में जो खबर आ रही है, यहां पर पिछले अप्रैल मई महीने से ये बताया जा रहा था कि आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही है, और उसी बीच जो आतंकी हैं उनको जो है आज घेर लिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन्हें जरूर किसी ना किसी की मदद वहां पर मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपर पहाड़ों में जो है गरीब लोग वहां पर रहते हैं, उनको डरा धमकाकर ये लोग जो है वहां पर उनसे खाना भी जो है वो जरूर लेने की, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इस तरह से कोई घटना हो, पर फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। पर ये मैं आपको बता दूं कि अब कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है सुरक्षा बलों के घेरे में जरूर फंसे हुए हैं, और उम्मीद है जल्द ही इन्हें जो है वो मार गिराया जाएगा। रुक रुक के बीच में फायरिंग भी जरूर चल रही है, मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। आप लोग इस खबर को साथ ही साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में, डड्डू बसंतगढ़ इलाका जो है, बसंतगढ़ इलाके में जो है वहां पर आतंकियों की एक टीम को जो है फिलहाल घेर लिया गया। और सुरक्षा बलों द्वारा यह भी बताया जा रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन आतंकियों को जो है अब तलाशी अभियान के दौरान जो है वो घेर लिया, और जल्द ही जो है इन्हें मार गिराया जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे सुरक्षाकर्मी, आप लोग भी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, हमारी जम्मू पुलिस जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। और उम्मीद जताता हूं कि जल्द ही मैं अपडेट लेके आपके सामने आऊंगा, जिसमें इन आतंकियों को जो है मौत के घाट जो है हमारे सुरक्षाकर्मी जो है उतारेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप लोग इस खबर को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे सुरक्षाकर्मियों ने यहां पर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में जो है आतंकियों को जो है वो घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, और बसंतगढ़ इलाका उधमपुर का ये इलाका है। कल से ही लगभग मंगलवार सुबह 4:30 बजे से यहां पर ये बताया जा रहा था कि आतंकियों के 3 से 4 आतंकी होने की संभावना, उसके बाद तलाशी अभियान के साथ ही अब कहीं ना कहीं इन आतंकियों को घेर लिया गया है। आप लोग इस खबर को साथ ही साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।